हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम सुनेंगे एक हॉरर स्टोरी। जी हाँ, एक डायन और राजकुमारी की। राजकुमारी तो बहुत सुंदर थी, ठीक है। एक गांव था, उसमें बहुत ज़्यादा हरियाली थी और खुशहाली भी थी, लेकिन उस गांव पर डायन की नज़र थी। वो डायन बच्चों के बीच में जाती थी और उनसे दोस्ती करती थी। उस डायन ने बच्चों को अपने जादू से वश में कर रखा था। फिर एक दिन वो डायन एक राजकुमारी को उठा लाई, यानी कि उसको किडनैप कर लिया। उस टाइम पे कोई सुपर हीरो तो होते नहीं थे जो उसको बचा लेते भाग के। वो उस राजकुमारी को अपने महल में ले गई और वहां पर उसने उसे रखा। अब हुआ क्या बच्चों, उसने राजकुमारी को अपने वश में कर लिया। उससे वो काला जादू करवाने लगी। फिर एक दिन राजकुमारी ने मना कर दिया। इस बात पर डायन को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपने सभी बैट्स को, यानी कि चमगादड़ों को इकट्ठा किया। उनमें असुरी शक्तियां भर दी। उन्हें गांव पर अटैक करने के लिए भेज दिया। कोई कोई चमगादड़ तो मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे। उन्होंने सारे गांव में तोड़फोड़ कर दी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। उन लोगों ने एक पावरफुल मॉन्स्टर की तरह गांव पर अटैक किया। वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। उनके सामने जो कुछ भी आया, उन्होंने उसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इससे सारे लोगों में हाहाकार मच गया और वो सारे इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी ऐसी मची थी कि ना बच्चों ने अपने घर को देखा, ना बड़ों ने अपने घर को देखा। सभी के सभी भागने लगे। वो पागलों की तरह भाग रहे थे। पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता था। बेचारे भागते हुए एक जंगल की तरफ चले गए। वहाँ पर उन्हें एक साधु बाबा मिले। उन्होंने देखा कि गाँव वाले किसी बुरी शक्ति के कारण परेशान हैं। जल्दी ही साधु बाबा को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ इनके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो सारे चमगादड़ पूरे शहर को तबाह कर देंगे और कोई भी वहां पर जिंदा नहीं बचने वाला था। उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा से ईश्वर को याद किया और अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया। इससे सारे चमगादड़ ठीक हो गए और उनमें से असुरी शक्ति निकल गई, यानी कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन गए। वे सब जुगनू की तरह चमकने लगे। सभी लोगों ने साधु बाबा का धन्यवाद किया। वे लोग उस जगह पर गए जहां चुड़ैल ने प्रिंसेस को रखा था। प्रिंसेस को वहां से छुड़ा लाए और घर आ गए। वे लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, कहानी ख़त्म, पैसा हजम।